मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए, आपने मार्क किया होगा और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना, हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की है। वो कैटलिक एजेंट के यहां से ऊर्जा प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे, जो पूरे तंत्र के अंदर एक प्रकार से विद्युत की तरह नई चमक दे, नई रोशनी दे, नई सामर्थ्य दे। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं। और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठकर के कोई निर्णय करता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है, उस भाव से मैं काम करता हूं। सरकार की बात आती है तब वो अकेला मोदी नहीं होता है, उसके जो हजारों दिमाग उसके साथ जुड़े हुए हैं, हजारों मस्तिष्क जो इस काम में लगे हुए हैं, हजारों भुजाएं जिस काम को कर रही है, एक जो विराट रूप है उसी का परिणाम होता है कि सामान्य मानवी को भी उसके सामर्थ्य का साक्षात्कार होता है। और एक बार जब सामर्थ्य का साक्षात्कार हो जाता है तो समर्पण अपने आप समाहित हो जाता है। और ये पूरा 3 महीने का कालखंड उस सामर्थ्य के साक्षात्कार का, उस सामर्थ्य के प्रति समर्पण के भाव का, और उस समर्पण के अंदर नए संकल्पों की ऊर्जा जुड़ी हुई थी, जिसका परिणाम है कि आज हम फिर एक बार देश की सेवा के लिए प्रशस्त हो रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि जो इतने बजे ऑफिस शुरू होता है इतने बजे पूरा होता है, हम वो लोग नहीं हैं। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है, हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं है, हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जो इससे परे हैं वही तो मेरी टीम है, और वही टीम पर देश को भरोसा है। साथियों, 10 साल में बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो 10 साल से मुझे जेल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो शायद अब जेलना शुरू करेंगे, कुछ लोग होंगे साहब बहुत हो गए अब कहीं और जाए तो अच्छा होगा, जो जाना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, आपने इतना किया इसलिए धन्यवाद है। जो आना चाहते हैं अगर आज टीवी पर मेरी बात सुन करके, जो मन भाव से खप जाना चाहता है 5 साल, आइए, निमंत्रण है। और हम मिल करके दोस्तों एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा, 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है मेरा पल पल देश के नाम है, और मैंने ये भी वादा किया है देश को 24/7 फॉर 2047। मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं, मैं मेरी टीम से चाहता हूं, और उसमें भी मैंने मिला हुआ काम समय से पूरा कर दिया, मुझे मिला हुआ काम गलती के बिना कर दिया, मैं समझता हूं अच्छी चीज है, लेकिन परिपूर्णता नहीं है। मैंने उसमें वैल्यू एडिशन क्या किया,
मैंने पूरा किया, लेकिन ज्यादा अच्छे से पूरा किया। मैंने पूरा किया लेकिन आगे अब किसी के सर पे बोझ नहीं रहेगा, इतना मैंने करके रखा है। अगर ये अगर हमारा भाव है, हर चीज में वैल्यू एडिशन, हर चीज में क्वालिटी अपग्रेडेशन, तो मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों कि हम 5 साल के भीतर भीतर जिस सपनों को और संकल्प को लेकर के चले हैं उसको हम परिपूर्ण कर सकते हैं। 10 साल का मेरा अनुभव है, जो तय किया उसको हम करके रहे हैं। तय भले मोदी ने किया लेकिन करने वाले आप हैं, करके रहे हैं, हम सब मिलके करके रहे हैं। हम सब की सामूहिक शक्ति का परिणाम है कि हमने एक कैटरिंग एजेंट के रूप में इसको काम किया है। आपको बहुत से लोग मिलेंगे व्यक्तिगत जीवन में, और खास करके टीनेज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनसे अगर बात करेंगे, अगर उस समय क्रिकेट की सीजन चलती है तो उसका मन करता है यार एक अच्छा क्रिकेटर बन जाओ, दिमाग में रहता है यार क्रिकेटर बन जाना है। एक अच्छी मूवी बड़ी पॉपुलर हो गई तो फिर मन में करता है यार ये फील्ड अच्छा है, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं इसमें चला जाऊं। उसी समय मान लीजिए चंद्रयान की घटना घटी है तो उसको लगता है यार ये फील्ड बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट बन जाओ। और मान लीजिए 2 महीने के बाद क्रिकेट मैच आ गई तो उसको लगता है यार साइंटिस्ट वाला तो जरा मेहनती है, अच्छा करो अपन क्रिकेट वाला हो जाए। यानी ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं अस्थिर होती है, और जब इच्छा अस्थिर होती है तो सामान्य मानवी उसको तरंग कहता है। उसको लगता है यार तो तरंग ही है, एक सुबह एक सोचता है दोपहर को दूसरा होता है, इस पर बात मत करो यार, ऐसे ही हुड़दंगबाजी करता रहता है। इच्छा जब अस्थिर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है, लेकिन जब इच्छा स्थिर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है। इच्छा अगर अस्थिर है तो तरंग है, इच्छा अगर स्थिर है स्थायी है तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है, और संकल्प के अंदर जब परिश्रम की पराकाष्ठा जुड़ जाती है तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। और जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए, इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। जिस टीम ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है उसको स्वाभाविक मन करेगा कि यार कुछ अब बहुत हो गया, अब साहब थोड़ा शांति रखे तो अच्छा होगा, ये रोज नई नई चीजें लेके आते हैं। लेकिन मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है, और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया, वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस इलाके विषय पर यहां पर है, और ये इससे आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है, और व्यक्ति के जीवन में हो, समूह का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, जब तक वो बड़े संकल्प के साथ सोचता नहीं है परिणाम नहीं मिलता है। साथियों, जब हम काम करते हैं तब 3 चीजें बहुत अनिवार्य होती है, और अगर 3 चीजें हमारे पास उपलब्ध हो तो मैं नहीं मानता हूं कि विफलता दूर दूर तक भी नजर आएगी। और जब मैं 3 बातें कहता हूं, 1 क्लैरिटी ऑफ थॉट्स,
जहां तक इस सरकार का सवाल है, मैं मानता हूं कि कोई उलझन नहीं है, बाएं जाए दाएं जाए ऊपर जाए नीचे जाए कुछ नहीं, उसको पता है ऐसे ही जाना है और उसे पाकर के रहना है। इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स किसी भी काम की सफलता के लिए सबसे पहली जरूरत होती है। फेथ इन कन्विक्शन दूसरा पार्ट है कि जो मैं सुन रहा हूं, जो मुझे बताया जा रहा है, उसके प्रति मेरे मन में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, मेरे मन में इफ्स एंड बट्स नहीं होनी चाहिए। फेथ इन कन्विक्शन, जो मैंने सुना है और अनुभव कहता है कि हाँ यार मेरे विचारों में मेल नहीं बैठता है, लेकिन यही है रास्ता तो चलो लग जाओ, लेकिन इतने से भी पूरा नहीं होता है। क्लैरिटी ऑफ विजन, फेथ इन कन्विक्शन इज नॉट इनफ टू अचीव, और उसके लिए चलता है कैरेक्टर टू एक्ट। मुझे अपने व्यक्तित्व को उस प्रकार से गढ़ना पड़ता है, मेरे समय का सर्वाधिक उपयोग उस काम के लिए लगाने का मुझे प्रायोरिटी तय करनी होती है, खुद को खपाना पड़ता है, मेरा शरीर मेरा मन बुद्धि सब कुछ, मेरा कैरेक्टर टू एक्ट उस काम को पूर्ण करने वाले कैरेक्टर के रूप में अगर निकलता है तो मैं परिणामों को प्राप्त करूं। मेरी टीम के पास ये सब कुछ संभव है दोस्तों। जिस टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है, उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा स्केल पर कैसे कर सकते हैं, अगर उन चीजों को लेकर के आप साथ ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं, इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं, कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। सफल वो इंसान होता है जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं है। कई लोग मुझे इस चुनाव में भी और हमेशा, मैं पिछले 30 साल से ये सवाल सुन सुन के थक चुका हूं कि इतनी एनर्जी लाते कहां से हो, थकते क्यों नहीं हो, मुझे लोग पूछते रहते हैं। लेकिन वो मेरे बॉडी को तराश रहे हैं, मेरी बॉडी में क्या खाता हूं, कितना सोता हूं, मैं योगा कितना करता हूं। अब वो गलत ट्रैक पर है, इसलिए मेरी एनर्जी का रहस्य उनको पता नहीं है। मेरी एनर्जी का रहस्य, मैं जीवन भर भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखता हूं। और जो व्यक्ति अपने भीतर विद्यार्थी को जिंदा रखता है वो कभी भी सामर्थ्यहीन नहीं होता है, शक्तिहीन नहीं होता है और आलसी नहीं होता है, वो हर पार ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.